और एक दो छोटी बातें बताता हूं और क्या क्या हो सकता है। जैसे ही रुपए की कीमत बढ़ी और डॉलर की कीमत घटी तो भारत की सारी संपत्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 गुनी महंगी हो जाएगी, सारी संपत्ति। मैं एक छोटे से उदाहरण से बात समझाऊं, हम अभी आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं, एक डॉलर में 50 रुपए है तो हमारा आयरन ओर बिकता है 15 पैसे किलो, और जब एक डॉलर में एक रुपया हो जाएगा तो यही आयरन ओर बिकेगा 7 रुपए किलो लगभग। तो अभी जितना आयरन ओर एक्सपोर्ट करके हम कमाई करते हैं, बहुत थोड़े आयरन ओर में उतनी ही कमाई हमारी हो जाएगी। और फिर तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आयरन ओर क्यों बेचें, स्टील बना के बेचेंगे ना, आयरन ओर क्यों बेचें, बॉक्साइट क्यों बेचें, एल्यूमिनियम बना के बेचेंगे, हम तो फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे। तो पॉलिसीज में हमें कुछ कुछ चेंज करा के, इकोनॉमिक लेवल पे कुछ कुछ चेंज करा के, कुछ चेंजेस हैं जो माइक्रो लेवल पे हैं, कुछ चेंजेस हैं जो मैक्रो लेवल पे हैं, ये सारे परिवर्तन हम कर सकते हैं और इस देश को एक हंसता खेलता खुशहाल समृद्धि वाला संपत्ति वाला देश बना सकते हैं जो अभी गरीब देश की गिनती में है। और बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपको और छोटी छोटी बात बताऊं, डॉलर रुपया बराबर हो जाए ना तो एक लीटर पेट्रोल 18 रुपए का मिलेगा आपको, एक लीटर डीजल 13-14 रुपए का मिलेगा, एक रसोई गैस सिलेंडर 45 रुपए का मिलेगा। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना और वापस न्यूयॉर्क से दिल्ली आना मात्र 3-4 हजार रुपए में हो जाएगा, जो अभी 90 हजार में होता है। इतनी चीजें सस्ती हो जाएंगी। आपके बेटे या बेटी को इंजीनियरिंग कराना पड़ता है तो 5 साल में 12-15 लाख खर्च हो जाता है, फिर मुश्किल से 25 हजार खर्चे में ही आपका बेटा इंजीनियर हो जाएगा। MBBS की पढ़ाई करानी है 50-60 हजार में हो जाएगी। सारी महंगाई उसी हिसाब से कम होगी जिस हिसाब से रुपए की कीमत बढ़ेगी। आपको नहीं लगता राम राज्य आ जाएगा? आप बोलोगे ये शेख चिल्ली के सपने क्यों दिखा रहे हो, ऐसे ही कहोगे ना। मेरा ये कहना है कि दुनिया में हर हकीकत पहले एक सपना ही होती है, हम जब उस पर काम करने लगते हैं तो वो सपना हकीकत में बदल जाता है। जर्मनी, दोनों देशों के नागरिकों ने 45 साल सपना देखा था कि हम एक होंगे एक होंगे एक होंगे, 45 साल के बाद एक हुए। अमेरिका के लोगों ने 250 साल सपना देखा कि एक काला आदमी हमारा राष्ट्रपति बनेगा बनेगा बनेगा। मार्टिन लूथर किंग के जमाने से, अब्राहम लिंकन के जमाने से बात चल रही थी, अब बन गया। बस इतना ही है, सपना देखा जाता है, उसके लिए प्रयास किया जाता है तो हकीकत में बदल जाता है। अभी यह सपना है, थोड़े दिन में हकीकत होगा, आप सब हम सब मिल जाएं तो। ये हमें करना है। और एक छोटा सा काम करना है कि इस हिंदुस्तान में रुपए की कीमत बढ़ा के डॉलर की कीमत घटा के हम एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। वो क्या? हमारे देश में आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत आ गए, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, पामोले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबा गाइगी, सेंडोज, बाटा, एडिडास, प्यूमा, बटरफ्लाई, लोटो, कोल्ट, ये सब विदेशी घुस पड़े इस देश में और हमारी सरकारों ने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, आ जाओ लूटो इस देश को लूटो। 1942 में कहा हमने विदेशियों को क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, अब 2009 में कह रहे हैं वापस आओ वापस आओ वापस आओ, जिनको भगाया था उन्हीं को बुला रहे। अंतर बस इतना ही है कि भगाने वालों में ऊधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तांतिया टोपे, झांसी की रानी, इन्होंने भगाया था अंग्रेजों को। बुलाने वालों में मनमोहन सिंह, शरद यादव, शरद पवार, फिर हमारे अमर सिंह, फिर ये सिंह और वो सिंह, अंतर इतना ही है, भगत सिंह, मनमोहन सिंह, इतना ही अंतर है।